Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot and this is the Week in Review. Assalamu alaikum, Amna. Waalaikum assalam. Amna, aap keh rahi hai mujhe ki hum list kam kar dein dramo ki apne. Ji. Lekin ab ye humne dekhna shuru kiye hain jo khatam hone wale hain. Ji. Unka to wait karna chahiye hame shayad. जब तक वो खत्म नहीं हो जाते बिस्मिल्लाह करें देखते हैं किसके बारे में हम मैं ज़्यादा बात कर सकते हैं। चीख के बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने पहली बार एक पॉइंट्स की ये लिस्ट एक इकट्ठी की है कि अपसर्ड मोमेंट्स जो मैंने देखे उस ड्रामे में जो मुझे समझ नहीं आए। शुरू करते हैं जो वो सीक्वेंस था जहाँ पे उन्होंने दिखाया हया वजू कर रही है बाथरूम में खड़ी जी। क्या तुक था उस सीक्वेंस का आपकी नजर में? कौम को पता चला कि हया वुजू कैसे करती हैं। अच्छा, वुजू करना नहीं आता था शायद या क्या इसके पीछे? जी बिल्कुल बिल्कुल, वो वहां से भी तो शॉट शुरू हो सकता जो मसल्ले पे बैठी हैं। ठहर जाएं हसन, मैं आपको इधर ही, मैं लेट मी निप द इविल इन द बड। द थिंग इज that I think that they are overextending Cheekh beyond like मतलब वो जो बाथरूम में खड़े होके वो कुल्ली कर रही है नाक में पानी डाल उन्होंने नाक में और सही से किया भी नहीं है। ठीक है ठीक है, बगैर ये कि they've overextended the drama, it's gone beyond its welcome. उसमें कुछ नहीं था और जो एंड में उन्होंने शारिक का वो डाला है ट्विस्ट है कि वो मैं आ रहा हूं ना, मैं लिस्ट मेरी आम ना पूरी लिस्ट नहीं, नहीं नहीं हसन, मैं चीख के बारे में ज्यादा बात करना ही नहीं मैंने। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर कहते हैं वजी को कि अब आपको बड़ा बनना पड़ेगा घर का। भाई तेरा क्या लेना देना उससे? वो कहता है ना कि ये घर के बड़े हैं, तो वो कह रहे हैं नहीं आपको घर का बड़ा बनना पड़ेगा, घर में और कोई मर्द नहीं है। मतलब डॉक्टर ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशन पर्सनल कॉन्वर्सेशन, कैन आई रैप इट इन अ नटशेल? अच्छा नहीं, एक और मन्नत कहती है सारे मुलाजमों को किस किसने जाना है, वो कहते हैं हमने जाना है, कहती है सब जाओ। सलीम को कहती है नहीं तुम रुक जाओ तुम नहीं जा सकते। भाई क्यों सलीम खुद क्यों नहीं चला जाता? बिकॉज सलीम इज एन अप्रेंटिस। बट सलीम खुद छोड़ के क्यों नहीं चला जाता? क्यों उसका कोई कॉन्ट्रैक्ट है मन्नत के साथ? गिल्टी हो जाएगा ना फिर, उसका नजर आ जाएगा कि गिल्टी है। ही कैन जस्ट लीव, ही कैन लीव, ही कैन से गो। ये कौन से धागे हैं जो सलीम को बांधे रखते हैं? सलीम क्यों नहीं जा रहा छोड़ के? आप छोड़ दें, मैं फिर वजी के ऑफिस में एक बंदा जिसके साथ वजी पूरी कॉन्वर्सेशन का, वो कहता है आप डॉक्टर को चेक कराएं। यार मतलब तेरा क्या लेना देना? वो कह रहा है हम डॉक्टर की बात। हर सीक्वेंस ही इतना एब्सर्ड था, इट वाज एन ओवर एक्सटेंशन ऑफ एवरीथिंग। मतलब है कि कोई तो किसी चीज का कोई तुक नहीं था। टॉप इट ऑफ ऑल, उसका भाई कोमा में पड़ा हुआ है जी, मर रहा है जी, दूसरा पागल हुआ है, एक भाई मर गया उसका, वो कह रहे तुम मेरे से निकाह करवा लो। तो मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। और प्रोमो के मुताबिक वो मान भी जाती है, मान भी जाती है, और फिर वो किडनैप करता है उसको, असल में मन्नत के साथ कोलैबोरेट करके। तो ये तो कॉमेडी ऑफ एरर्स बन गया कंप्लीटली, व्हिच इज वेरी सैड। कोई समझ नहीं आई। और शारिक और मन्नत की मुझे लगता है शादी हो जाएगी एंड में, शारिक और मन्नत की। नहीं नहीं, और जितना वो उसको हेल्प आउट कर रहा है और दोनों साथ में काम कर रहे हैं right. तो मुझे लगता है कि ये हो जाएगा। बट आई रियली एंजॉयड वॉचिंग चीख बिकॉज ऑफ ऑल दीज एब्सर्डिटीज। इफ यू सिट डाउन जस्ट टू पिक आउट एब्सर्डिटीज, बट आई थिंक कि आई रियली आई एम नॉट गोइंग टू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड। अब तो एक मेरे ख्याल में एक दो एपिसोड रह गए, तो मुझे बताएं आप जी कि एब्सर्डिटीज के लेवल के ऊपर जी चीख ऊपर है या अना? चीख। अच्छा जी बिल्कुल, तो फिर बताएं फिर अना में क्या हो रहा है? अना जो है ना वो मतलब छोटे छोटे, अना की सबसे वीक पॉइंट है कि परफॉर्मेंसेस कुछ लोगों की बहुत वीक हैं। फॉर एग्जांपल निशवा जो है अरीश की बहन, वो सिगरेट पी रही होती हैं और उनकी अम्मी कहती हैं आके कि क्या बेहूदगी है बंद करो, तो कहती क्यों भाई पीता है तो वो ठीक है, उसके क्या लोहे के फेफड़े हैं। आई रियली लाइक दैट कॉमेंट, आई रियली लाइक व्हाट शी वाज सेइंग। मगर फिर एकदम वो कहती है कि क्या कैसा भाई है, इसने क्या किया है हमारे लिए, दुनिया में भाई जो है वो बहन का इंतज़ार करते हैं शादी का, फिर खुद करते हैं, इन्होंने तो खुद कर भी ली, घर से भी भाग गए, यू नो। तो शी इज़ लाइक दिस हैप, एवरीबडी इज़ अ हैप हैज़र्ड कैरेक्टर। दैट्स द थिंग अबाउट अना, यू कॉन्ट एक्सपेक्ट एनी थिंग फ्राम एनी बडी, आपको पता ही नहीं होता कि होने क्या वाला है। बट इट्स अगैन एब्सर्डिटीज़, बट देर नॉट बोरिंग यू, इट इज़ समथिंग न्यू एवरी टाइम। चीख तो घसीट रहा है ना एब्सर्डिटीज़ को, घसीट रहा है। तो निश्वा स्मोक कर रही है, वो उसकी कोशिश है कि जो उसका बाप है वो अरीश को आग कर दे, और पूरा जो शेरगढ़ है ना वो उसके नाम कर दे, निश्वा जो बहन है, जो बहन है। लेकिन वो सुन लेती है बाप को कहते हुए कि आनिया का बच्चा हो जाने दो, उसका बेटा होगा, मैं सब कुछ उसके नाम कर दूंगा। तो शी इज वेरी कनाइविंग एंड डिवियस। तो अच्छा, ये नया एक मेरे ख्याल में निकाला ट्रैक इन्होंने, अब जाके एटलीस्ट ये नए ट्रैक्स निकालते हैं ऑल विद इन द रियल्म ऑफ दैट स्टोरी। तो मुझे लगता है कि जो निश्वा है वो इतनी डिवियस है कि वो अब कोशिश करेगी कि या तो उसका मिसकैरेज हो जाए या कुछ हो जाए कि वो बच्चा ना हो आनिया का। आनिया भी बड़ी डिवियस निकली है क्योंकि
वो कोशिश, वो बड़ा ना अरीश के साथ मिलके कहती कि नहीं मैं चाहती हूँ आप खुश रहें और आप खुश होंगे तो मेरा दिल खुश रहेगा. एंड शी इज़ लाइक आई यू वॉन्ट टू थ्रॉटल हर बट शी इज़ एक्चुअली हेल्पिंग हिम रन अवे विद दानीन. तो वो आती है घर, वो कहती है नाजिया से जो नहीं पासपोर्ट लेने के लिए. अच्छा अनदर अब्सर्डिटी कि नाजिया और उसका भाई जो दानीन के वालिद साहब हैं वो कहते हैं पासपोर्ट लेके आओ दानीन का. वो कहती है नहीं आप पासपोर्ट लेके क्या करेंगे कि मैं फाड़ दूंगा ये नहीं जा सकेगी, मार दूंगा तुम्हें क्या लेके आओ. तो वो कहती है अच्छा ले आती हूँ, आप तो जिद्दी कर रहे हैं, जैसे पानी का ग्लास लेके आना है. वो पासपोर्ट लेके आती है तो पहले किसी ने काटा होता है. तो अब सबका शक जो है ना वो आनिया पे है कि वो ऊपर ऊपर से बहुत मीठी बन रही है कि उसका मियाँ भाग जाए दानीन के साथ, लेकिन असल में उसका पासपोर्ट वो काट चुकी है. सो ये डिफरेंट ट्रैक्स हैं, दे आर इंटरेस्टिंग, ओके, दे आर अ बिट अब्सर्ड एंड सम परफॉर्मेंसेस आर रियली बैड. तो कितने ये करीब चला गया अपनी कंप्लीशन के, आपको क्या लग रहा है? नहीं मेरा नहीं ख्याल अभी. मुझे तो सब अब्सर्डिटीज ये ना कि नाजिया जो है दानीन की फुप्पी है, उसके पास नाजिया दानीन का पासपोर्ट क्यों होगा? आपकी फुप्पो के पास आपका पासपोर्ट होता है? नहीं, मेरी फुप्पो तो वफात पा चुकी है, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे. मेरी भी वफात पा चुकी है, लेकिन अगर जिंदा थी तो मेरा पासपोर्ट, जिंदा होती तो मेरा नहीं ख्याल उनके पास पासपोर्ट होता, राइट. अच्छा फिर फॉर एग्जाम्पल एक और सीन है जिसमें इज़्ज़ा अल्तमश हर एक का फेवरेट एंड दे डू हैव केमिस्ट्री, दे डू हैव अ स्पार्क. वो बैठे हुए हैं तो वो कहती हैं अल्तमश आप ये नो करें, तो कहते हैं तुम मेरा नाम ले लेके अपनी बातें बनवाओगी, क्यों मेरा नाम लेती हो? कहती है क्या मतलब है आपका? तो कहते ना वो होता ना पुराने संजीव कुमार की फिल्म के नाम लेके कहो तो तुम्हारे मुँह से मेरा नाम कितना अच्छा लगता है. इनकी क्या आखिरी तो हमने देखा था, जब मैंने देखा था वो ये किसी और कबीर भाई के साथ अपनी डेट मार. कबीर भाई वैसे ही टांग अड़ा रहे हैं. एक तो ये अच्छा. कि रिलेशनशिप्स में जो है ना टांग अड़ाने का सबको शौक है कि वो एक अपने आप को सुपर इम्पोज कर रहे हैं. नहीं लेकिन ये तब अल्तमश को जेलस करा रही थी ना, तो आई एम अज्यूमिंग कि कोई वजह होगी जो जेलस करा रही है. शी लाइक्स हिम ऑब्वियसली. अब इनका हो गया सेटिंग? किन की? ये अल्तमश और रिजा की? नहीं अभी भी नहीं हुई. नहीं वो एमी मतलब छेड़खानी अभी तक नहीं, मगर दे शी हैज सेड दैट आई रियली रिस्पेक्ट यू और आप यू नो आप जो कर रहे हैं. शी कबीर को भी कह दिया कि प्लीज यू आर माय कजन, दैट डजंट मीन दैट आप इंटरफेयर करें, आप अपने हद तक रहें. तो ये अच्छा एक था. आगे चलें और सो ये एब्सर्डिटीज मगर इट्स फन, आई एंजॉय इट. खास बहुत लोग आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भी खास को रिव्यू किया करें, तो उसका भी बता दें जी. इसमें ये कि जो मैंने कहा ना कि जो लोग अपने आप को दूसरे लोगों पे सुपर इम्पोज करते हैं, तो खास में भी अब यही हो रहा है कि जो हीरो हीरोइन हैं सबा और अमार, सबा जो है वो कंसिस्टेंटली डिसग्रंटल ने अपनी मैरिड लाइफ में, उनके मियाँ ने उनको गाड़ी लेके दिए ये सोच के कि ये कितनी खुश होंगी, तो वो कहती हैं मैं खुश नहीं हूँ. वो जो है उनको एक दोस्त अच्छा मिला है फाखर में, ही इज़ अ रियली नाइस गाय एंड यू नो, सो वो बातें करती है अपना दिल हल्का कर लेती है उसके साथ एंड देयर इज़ नथिंग लाइक dark or twisted to their relationship, although we know that he really likes her. On the other hand, jo Amar hai, he's hooked up with an ex-flame of his. Kya naam tha? Salma. Jiske fiance ne mara bhi tha usse. Ji, ab Salma ke maa-baap ne bhi Amar ko khane pe bula liya hai and they're meeting up regularly. But uska scene nahi tha Salma ka kisi aur ke saath? You said she was married. She was married. हाँ हाँ, she was married. I don't know whether उनकी divorce होगी कि नहीं. But उसके माँबाप ऐसे खाने पे तो नहीं बुलाते. No, because she's in a very bad marriage. She wants to either she's gotten out of it or Amar has helped her got out of it, whatever. But she has her eye on Amar. And सबा को पता है. सबा कहती कि तुम इसको मिलना बंद करो. And वो कहता मैं तो नहीं करूँगा बंद. तो वो उनकी आपस में वो tension शुरू हो गई है. Twist ये है कि जो Amar की बहन निदा है, she has suddenly developed a liking for Fakhir. ये वो सोनो चंदा में जो थी वही है किंजा? I don't, नहीं किंजा नहीं है. अच्छा. वो अलग है. निदा जो है वो फाखिर के पास पहुंच जाती है खुद ही कि मेरा पोर्ट्रेट बनाओ. अच्छा. फिर वो जो पोर्ट्रेट खत्म हो जाता है तो वो कहती है इतनी जल्दी खत्म हो गया है, तो हमारे पास बहाना नहीं रहा मिलने का, अब हम कैसे मिलेंगे. फिर वो इस एपिसोड में अपनी मोहब्बत की डिक्लेरेशन के मुझे तो आपसे मोहब्बत है. अच्छा मोहब्बत से कम तो हम बात ही नहीं करते ना, ये नहीं है कि आप मुझे अच्छे लगते हैं या यू नो यू आई रियली लाइक यू, नहीं नहीं मोहब्बत. तो वो जो मोहब्बत उनको हो गई है और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी मोहब्बत को मत ठुकराना फाखिर. तो माँ बाप को भी कहती है मैंने और किसी से शादी नहीं करनी. और अमार बड़ा नाराज़ है, वो कहता है ये तो लूज़र है ना, ये पैसे कमाता है ना, इसके पास बैंक बैलेंस है और मेरे दोस्त के साथ तुम कहाँ. इस सब पे उसका क्या रिएक्शन है? वो जो फाखिर है जो मेन जो वो है गर्ल सनम बलोच, सबा जो है, तो सबा कहती है कि हाँ फाखिर बहुत अच्छा है, आप इसको करने दें. बिकॉज शी डजंट हैव एनी लाइक. अच्छा उस तरह का नहीं अभी नहीं है, ऑल्दो दिल में शायद हो.
extra marital affair type situation. नहीं नहीं नहीं, not yet. Although I really hope के हो जाए, seriously, because I mean, yeah. But फाखर के बेचारा कहते हैं मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं I'm not even interested in you, निदा. और निदा जो है ना वो अपने आप को सुपर इम्पोज कर रही है. ठीक है. तो ये हो रहा है खास. एक मैंने आपसे और सवाल पूछा, going back to Cheekh. वजी जो है मन्नत को पागल करवा दिया था पहले, उससे पहले ने आपको मार दिया जी, मन्नत को पागल कर दिया जी, मन्नत का बच्चा गिरा दिया जी, मन्नत की माँ को मार दिया जी, अपने भाई का मौत का रिस्पॉन्सिबल सब कुछ, बड़े भाई के कोमा में पहुंचने का पैरालिसिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर, बट मन्नत उसके कमरे में खाली तस्वीरें रख देती है तो वो इतना डिस्ट्रॉट हो जाता है कि यार ओ हो मैं तो ये हैंडल नहीं कर सकता. नहीं होता वैसे, होता है ना वो जाता है ना लॉयर के पास, गुस्सा चढ़ता है उसको, बट इतना क्या उसको फर्क पड़ा है इन चीजों से यार कि वो चला गया आकिल ज़ादा के पास कहने के जी मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाले. आपको बाकी समझ आ रही है कि क्या हो रहा है इसकी भी ऐसी मेरे दिमाग में. एनीवे मूविंग ऑन टू इनकार, आई थिंक आमना इनकार की जो खूबसूरती है वो ये है कि ये एब्सर्डिटीज उसमें एटलीस्ट नहीं है. नहीं है, बिल्कुल नहीं. और दूसरी चीज है परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं. मैं तो इन पर्टिकुलर इमरान अशरफ का पॉइंट आउट करना चाहूंगा जो टेलीविजन वाला उनका सीन है, कैसे वो मीसने से बन के आए और अस्सलाम वालेकुम करके जो उन्होंने किया, और जो उन्होंने कहा कि मुझे तो शर्म आ रही है कहते हुए कि ऐसी लड़की और यू नो मैं इसको पसंद करता था मगर शी वाज, और मैं पाकिस्तानी मर्द हूं मेरे तो गैरेज आ गई. आई मीन हां परफॉर्मेंस जबरदस्त, बड़ी अच्छी थी. मैं यहां पे आपने वो बीबीसी वाला उनका इंटरव्यू देखा है? जी बिल्कुल देखा है. Talking about you don't need to have dreamy eyes and a six pack to no more than that what he wo jo bhola ke character mein aaye ekdam english mein unhone thode se bhola ki acting ke phir all of a sudden he said ki nahi I can also be imran ashraf. Yeah, I think it's pretty cool. Yeah, jis tarah se wo karte hain. I think imran's a very cool guy and I feel that he's very very talented, very diverse as an actor. और सही बहुत अच्छा आ, उनको जो हम पिछले एपिसोड में मिस कर रहे थे वो भी अच्छा इस बार. आई थिंक देयर इज अ लेसन इन हिज एवोल्यूशन के 10 साल उन्होंने कहा ना कि 10 साल मैं कैसे आपको बताऊं हाउ डिफिकल्ट दैट जर्नी वाज. यू डोंट गेट इट ओवरनाइट, इट्स नॉट सपोज्ड टू हैपन ओवरनाइट. ऐसे ही होता है. हमारे इंटरव्यू में भी उन्होंने काफी ये बातें रिकाउंट की थी और रिकलेक्ट की थी कि कैसे यू नो हीड गो टू द ऑफिसेज एंड सिट विद ऑल दीस डायरेक्टर्स एंड there's a lot of effort and hard work that goes and on to this. And that's how it's supposed to be. Aap ragda khate hain to phir aapki wo chamak nikalti hai. And he's done what 70 odd dramas yaar. Matlab aisa nahi ki ranja ranja kar di ki pehla ya dusra drama tha ya inka. Aur wo 70 odd kiye hain to is caliber ke actor nikla hai. Level bilkul. Aur wo us commitment ke saath and no I think that it's a great lesson for young actors. But inkar mein Yumna ka main waise hi fan ho gaya Ishq Zehenaseeb ki wajah se. Bilkul. Wo itni achhi acting wahan pe ho rahi hai to you can see how different the two roles are. Bilkul. And how well she is performing. अब उनकी लाइफ थोड़ी और कॉम्प्लिकेट होने वाली है बिकॉज वो बाप कहता है निकाह कर लो. निकाह हो मेरे ख्याल में तो हो गया पिछली बार आप कह रहे थे. आई थिंक इट्स अ बिट ऑफ नहीं वो हो गया ना क्योंकि प्रोमो के अगले एपिसोड के प्रोमो के एंड में शी सेज कि उसने मुझे घर वापस भेज दिया. हाँ लेकिन पता नहीं किस चीज के बाद भेज रहा है, मुझे लगता है थोड़ा मिसलीड कर रहे हैं. मिसलीड इन दिस कॉन्टेक्स्ट वो कर रहे हैं कि वो शायंस प्रोबब्ली सम प्लेइंग सम गेम्स विद हिज फादर. ऑल्सो डोंट फॉरगेट दैट this Rehan Chaudhary has kidnapped her brother usi ke liye na exactly. usi ke kuch wo Shayan ab apne baap ke paas jayega aur usko kahega ki isko chhudwao Hajra ke bhai ko aur aaj aap Hajra ke bhai ko chhudwaoge to main Hajra ko chhod dunga is tarah ki mujhe lagta hai ki is tarah ki koi situation hogi aapko bhi acha acha ja raha hai but acha hai ek message acha hai performances badi achhi hain crisp storytelling aur writing performances ka maza aata hai you know agar performance buri hai to ekdam नहीं बट स्क्रिप्ट भी अच्छा होना चाहिए ना. अब जैसे चीख में परफॉर्मेंसेस नेसेसरली बुरी नहीं है, इजाज सिंह की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी इस बार में, मगर एब्सर्डिटीज हैं. एब्सर्डिटीज हैं इनकार में. अगेन द ओनली पर्सन आई डोंट लाइक इज रेहान चौधरी स्टेप मदर. वो जब आती है स्क्रीन पे मुझे लगता है किसी को उसी रोल में, स्पेशली जब वो रेहान का शो हो रहा था और वो कट इंसर्ट्स उनके आ रहे थे जब वो रिएक्ट कर रही थी और ऐसे चाय पी रही है. हां वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा, वो थोड़ा इट्स अ बिट ऑकवर्ड एंड अ बिट कंट्राइव्ड. लोगों ने कॉमेंट्स में राइटली सो पॉइंट आउट किया है कि इट्स अंडररेटेड एंड बिकॉज इट्स अ गुड ड्रामा कंपेयर टू ऑल दीज अदर्स. एब्सर्डिटीज नहीं है, क्रिस्प स्टोरी टेलिंग है, तो आई थिंक इट डिजर्व्स बीइंग रिव्यूड. अब तो वैसे भी थोड़े से एपिसोड रह गए मैं सपोज. अच्छा मूविंग ऑन टू सुर्ख चांदनी, कैसा लगा आपको एपिसोड? आई फेल्ट दैट इट वाज थोड़ा ज़बरदस्ती की ट्रेजेडी जो है ना वो उन्होंने खींची है आयदा की जिंदगी आयदा की जिंदगी में.
मतलब आयदा को घर से भागने की ज़रूरत नहीं थी यार, आपको एक बंदा ऐसा मिला है जो आप पे अपनी जान निछावर कर रहा है, आप तीनों मिलके घर शिफ्ट कर रहे हैं, सेल दिस ब्लडी हाउस एंड गो मूव टू अनदर सिटी। बट वो जख्म है ना मुंह के ऊपर जो कि अब तो खैर बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहा, जख्म तो नजर माशाल्लाह नजर ही नहीं आ रहा। अगर आप कंपेयर करें तो सुहाइज मेकअप इन सुरक्षानी एंड यमुनाज मेकअप इन इनकार, देयर इज नन ऑफ इट, शी हैज अ क्लीन फेस, वाकई कुछ मस्कारा कुछ नहीं है, बट सुरक्षानी में तो वो पूरा वो तो बर्न नजर ही नहीं आ रहा, अब तो आ ही नहीं रहा बिल्कुल, मगर वो घर से भाग गई है एंड आई थिंक दैट शी इज बिट्रेड हिम, आई मीन व्हाई वुड यू डू दैट, कह रही है ना उसकी मेरी वजह से उसके ये जो है ना विक्टिम सिंड्रोम के हाय मैं बिचारी मेरी वजह से मैं मनहूस मेरी वजह से कितनी बैड लक हो रही है, नहीं यार तुम्हारी सास कितनी अच्छी है, तुम्हारा मियाँ कितना अच्छा है, तुम बैठो उनके साथ डिवाइस करो कि भाई हाउ डू वी गेट पास दिस, तुम देख भी रही हो सास बेचारी मारी मारी फिरी है सड़कों पे बेचारी औरत बुड्ढी, यार वो धक्के खा रही है तुम्हें ढूंढ रही है तुम बदबख्त, अच्छा आई एक्चुअली थॉट दैट शी वुड कम आउट एंड से मेरे से गलती हुई है मुझे मुझे घर ले चले वापस, बट नो, बट ऑन द फ्लिप साइड सुहाई की एक्टिंग, नहीं सुहाई की एक्टिंग अच्छी है, फ्लिप साइड आई एम मोर इंटरेस्टेड इन द भाभी एंड शुमैला एंड जवाद, शुमैला एंड जवाद दैट इज व्हाट्स हैपेंड नाउ, मंशा पाशा आई थिंक हैज डन अ स्टुपेंडस जॉब यार, इवन असद सदीकी, असद सदीकी शुरू में असद का थोड़ा सा मुझे लग रहा था लेकिन उन्होंने क्या वो जो सिनिस्टर रोल उसने अदा किया है वो इट्स अमेजिंग एंड आई एम मोर इंटरेस्टेड इन देयर ट्रैक, और शुमैला के पर्टिकुलरली जो सीन्स हैं आयदा की माँ के साथ, कार की माँ के साथ और खाला के साथ, कहती मार दूंगी हाथ पकड़ के, कहती मार दूंगी मैं, मजा आया वो देख, मतलब अगर थोड़ा सा सुहाइब आयदा जो है वो अपनी भाभी से थोड़ा सीख लेती तो आई मीन कम ऑन यार, आई मीन योर हस्बैंड लव्स यू, डोंट डू दिस टू देम, सो आई डोंट एग्री विद दैट स्कूल ऑफ थॉट, आई डोंट इवन नो इफ इट हैपेंस, क्या लोग घर से भाग जाते हैं पता नहीं, मैंने तो आपसे इसीलिए पूछा था कि इतना ज्यादा टॉर्चरस होते हैं, इट वाज डिसअपॉइंटिंग, या तो ये है ना कि वो उसको कह रहे हो कि तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई, और अब अगले एपिसोड में बताया कि वो आके कहता है वो क्यों गई है, शी डजंट डिजर्व, और वो कहती है उसकी, आई थिंक नाउ ही विल गेट स्लाइटली मिफ्ड, ही शुड एंड ही राइटली शुड, कि मतलब इतना कुछ कर करा के भी अगर अभी भी तुम्हारी बीवी भाग गई है तो भाई अब तो तुम एग्जैक्टली तो तुम मतलब है कि क्या फायदा तुम्हारे अच्छे होने का, और माँ उसकी कहती है ना तुम उसको ले आओ, ले ला के तलाक भले दे दो बट ब्रिंग हर बैक, और ये हमें पता चल गया कि वो उस एनजीओ के पास चली गई है जो जिसने उसका हेल्प आउट भी किया था, और वो उनको कह रही है आंटी को कि आप बताना मत कि मैं, आई रियली वांट टू नो व्हाट हैपेंस विद शुमैला, बिकॉज़ हमें पता है कि शुमैला का एंड अच्छा नहीं होना, ये कैसे पता है, ऑब्वियसली आई मीन इविल विल कम टू अ फॉल, अच्छा थोड़ी होगा जवाद जो है वो, और जवाद की माँ डज नॉट अप्रूव, हाँ ये शुमैला वो जबरदस्त ने कहा, मेरी फेवरेट कैरेक्टर, वो तीनों कैरेक्टर्स बड़े इंट्रीगिंग है, ये सेपरेट एक मेरे ख्याल में स्पिन ऑफ निकाल, मेरा ख्याल है उन तीनों को बुला के इंटरव्यू करना चाहिए, करना चाहिए यार, डेफिनेटली करना चाहिए, इकट्ठे तीनों का, ये तीन इविल कैरेक्टर्स जो निकले हैं एंड एब्सोल्युटली प्लेड सुपर्बली बाय ऑल, सो आई एम नाउ वाचिंग इट फॉर मंशा एंड असद सदीकी एंड हिज मदर गुलराना, बिल्कुल ठीक है जी, मूविंग ऑन टू इश्क ज़हे-नसीब, अच्छा अभी हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग एक डिबेट होने वाली है, व्हिच इज एक्चुअली द फर्स्ट प्ले दैट वी वॉच बिकॉज़ वो फ्राइडे को आता है, मगर हम उसको सबसे आखिर तक सेव द बेस्ट फॉर लास्ट करके ऐसे संभाल के रखते हैं, बिकॉज़ लेग पीस की तरह, इट्स लेग पीस की तरह, बिकॉज़ इट्स जस्ट सो गुड, इट्स ब्लडी अमेजिंग, इट्स सो गुड, इट्स अमेजिंग, मैं कहती हूं जो इस एपिसोड के जो आखिरी 15 मिनट है ना वो तो, अरे सारी बातें छोड़ देना, let's get to the point, no we have to first summarize it, aap don't jump to the our discussion, we have to summarize it ki hua kya hai is episode mein, the mother falls ill, unko bukhar hai, this girl has been hired as a governess, usko samajh nahi aayi dynamic kya hai, ab wo kehti hai isko hospital leke jana hai to baki mulazim kehte hain are you crazy, acha isme sorry main ek shayad ye loophole tha ya mujhe aap samjhaye, she calls up sameer कि आपकी अम्मी की तबीयत बड़ी खराब है आप आज, he doesn't listen, तो he said कि अच्छा ठीक है, but later on he's at home, no no he doesn't say ठीक है, no he says his secretary comes to him and says कि घर से फोन आया है, emergency, then he said मैं देख लूँगा, no but then he must have gone home ना, because रात को तो he was in the room and he goes straight to his room, he never went to see his mother, no he doesn't like the mother, don't forget this, yeah but रोज तो जाता ही है ना उसके कमरे में, रात को नहीं जाता सुबह जाता है, he comes down and meets her, अच्छा he goes straight to his room, अच्छा यार अब आप ये व्यूअर्स से बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतने वो गौर से, ये फिर आंधी तूफान बिजली बादल गरज रहे हैं बारिश हो रही है, मतलब क्या सीन बनाया है, हाँ और वो लड़की कहती है मैं क्या करूँ इसका, फिर वो जाती है खटखटाती है
और वाकई आपकी दिल की धड़कन थोड़ी तेज होती है कि अंदर होगा क्या अब. विल शी गो इनटू हिज रूम, विल शी फाइंड हिम इन इन यू नो ड्रेस्ड अप एज अ वुमन, विल ही किल हर, विल ही हिट हर, व्हाट वाज गोना हैपन. वो नहीं खोलता, नथिंग हैपन्स. शी कम्स बैक, शी मेक्स अ कॉल, टेक्स हर टू द हॉस्पिटल. और जब वो सुबह उठता है, आई मीन दोज परफॉर्मेंसेस, द टाइमिंग, द सेटिंग, इट वाज जस्ट अमेजिंग. लेट्स कट टू द चेज नाउ ना, जो असल और मुद्दे की बात है. और हॉस्पिटल पहुंचता है और जो वो चंड कराता है और वो जो जाके उसको चपेड़ मारता है. अच्छा, आप आए ना चपेड़ के ऊपर. जी, आप इतने अरसे से कहती आ रही हैं कि ये जो हमारे फीमेल कैरेक्टर्स हैं, जी, द स्लैप, जी, जो इनको थप्पड़ पड़ते हैं, ये नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए. एक्टर्स को वो रोल्स ही नहीं एक्सेप्ट करने चाहिए जिसमें उनको इस तरह का हो, कोई भी इंसिडेंट नजर आ रहा हो. बिल्कुल. इस थप्पड़ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? I would not disapprove of this chappal. What? Yeah, I know. What? This is such a fake reaction, Hasan. और मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. समझाएं. थप्पड़ is a थप्पड़. No, it's not. It's not because she is not subservient to him in the way that a wife or a sister or somebody would be. उसने थप्पड़, अगर वो लड़का भी होता ना, अगर गौहर एक लड़का होता तो शायद समीर उसको ज़्यादा मारता और उसको मुक्के भी लगाता और उसको हशर कर देता. वो थप्पड़ लगाता है, ही इज़ रिएक्टेड टू हर इन सबॉर्डिनेशन. ही वुड हैव स्लैप्ड एनीबडी, ही इज़ नॉट स्लैपिंग हर बिकॉज शी इज़ अ वुमन. दूसरी चीज़ है कि आपके प्रोमो में उसने कहा है ना कि अगर आप इनकी हालत देख लेते तो यही थप्पड़ आप अपने मुँह पर मारते. तो शी रिटेलिएट्स टू इट. इट्स नॉट कि वो सिर्फ शौक में होती कि है ये मेरे साथ हुआ क्या है, हाउ द हेल डिड दिस गाय जस्ट कम अप एंड स्लैप मी. He has not slapped her for being a woman. He has slapped her for insubordination. Or again, agar wo ladka hoti to wo zyada usko kut padti, jise kehte hain. So this was very natural. Aur jo uski personality dikhai bhi hai, ya wo ek bande ka ek aurat ka qatl kar chuka hai, right? So he's got a violent streak. It has nothing to do with ladki bichari maar kha rahi hai, bardasht kar rahi hai, bachcha bhi uska miscarriage ho gaya phir bhi bardasht kar rahi hai, shaadi mein maar kha, that is completely different. वो जो पंजाब नहीं जाऊंगी मैं थप्पड़ था वो जस्टिफाइड था? नहीं, वो जस्टिफाइड नहीं था. एब्सोल्युटली नॉट. ये वाला जस्टिफाइड है? जस्टिफाइड नहीं कहूंगी मैं. इट इज पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, इट इज पार्ट ऑफ द प्लॉट लाइन. ये होना था. वो क्या कहता है उसको आके, तुमने क्या किया है, शर्म आनी चाहिए तुम्हें. ये तो वो ना कहता. ही इज अ वायलेंट मैन, ही इज अ मेंटली अनस्टेबल वायलेंट मैन. ये चपेट तो उसने मारनी थी उसे. So they're completely different. It's part of the plot. We have to ask the viewers. We can't compromise on the impact of a scene and say ki nahi bhi. Yaar ye humne, I agree with you. Dusri baat pe. But ye jo aap baat keh rahi ho on principle, phir to sare yehi baat bol rahe hain ki even jo domestic violence ke wo scenes dikha rahe hain television ke upar, they can't compromise on the script. Isliye unko dikhana hai kyunki asal zindagi mein aise hota hai. To phir ek dafa dikha dena and then move on. दिखाएं, आप establish करें कि domestic violence हो रही है, but then you move on to the survival, move on to the retaliation. Consistently ना दिखाएंगे. ये ना करें कि आप reinforce करें कि एक औरत मार खा रही है, पिस रही है, पिस रही है, पिस रही है, सत्यानाश हो गया उसका. That don't set that example. ठीक है, we know that domestic violence exists and we do not condone it in any way. But then give viewers some kind of relief, show them the option, show them the survival, okay, there is life beyond this and you can put a stop to it. No, in seriousness, I think it's important to distinguish between issues or the depiction of domestic violence versus something like this where the slap wasn't meant to position Samir as a male dominated or male dominated character. He's a psychotic man. He's just a psychotic person. And who would have reacted like this? And regardless of gender, it wasn't a gender specific slap. Even I'm taken. It's not a gender. Exactly. I'm taken aback when he slaps her. But I was like, whoa, okay. But promo mein phir wo kehti hai na ki ye is chapair tum apne muh pe maarte. Exactly. और आई थिंक ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कभी भी अगर किसी भी फीमेल कैरेक्टर को थप्पड़ पड़ता है टेलीविजन के ऊपर तो वो रिएक्ट कैसे, उसका रिएक्शन कैसे आप दिखाते हैं. Exactly. तो इसका अगर रिटेलिएशन आया है उसके ऊपर तो विद यू नो वी कैन मेक पीस विद इट कि यार कि ठीक है ऐसा हो सकता है. या आई मीन ये थोड़ी ब्लैंकेट स्टेटमेंट थोड़ी है कि जी ये होगा ही नहीं. हाँ. ये आप दिखाएंगे नहीं, ऐसे नहीं है. इट्स पार्ट ऑफ द थिंग दैट वाज इंपॉर्टेंट टू एस्टैब्लिश हाउ क्रेजी ही इज.
execution is important execution and how appropriate appropriately you but I think that is brilliant execution brilliant other Sami Khan ko bhi main specially mention kar unki acting and you know you see the parallel jo going back to jo the prediction ki tum log ke ek jaisi kismatein hain ya taqdeer mein ek tarah ke jo unke bosses dono ke mean hain dono ke bosses rude hain dono ke bosses ke sath phadde chalne aapas mein aur dono ke bosses hi ab soft corner develop karenge ek dusre ke liye aur phir we're assuming ke inki shaadiyan ho jayengi aapas mein kuch to hoga bosses employees kuch to hoga kuch wo to mere khayal hai inki karza utarne mein kaam aayengi ji duniya duniya jo hai अगले एपिसोड के प्रोमो से हमें शायद दुनिया की बैक स्टोरी का भी अब अंदाजा शायद हो नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होने वाला है ठीक है ये तो हो गया हमने सारे ड्रामे जी मेरे पास तुमों का देखा आपने ट्रेलर मैंने देखा कैसा लगा आपको इंटरेस्टिंग है मगर आई एम काइंड ऑफ यू नो मेरे पास तो तुम हो हाँ. तो फिर स्टोरी क्या है हाँ. तो मजे की बात मैं ये सोच रही हूँ कि कल मैंने जो उसका ट्रेलर अभी वो पब्लिक नहीं हुआ जो ट्रेलर देखा जब वो आएगा तो आपको पता चल जाएगा ये अच्छा, है क्या सीन और वो बड़ा मजे का सीन है राइट हाँ तो थोड़ा इंट्रीगिंग है कि मेरे पास तुम हो तो फिर कहानी क्या है तो ये तो बड़ा मेरे ख्याल में it has blockbuster written all over it really once you see that so the second we will trailer, be reviewing it of course plus we also have an inkling that Alif is going to start Alif is going to come out on Jio after Eid right this one is coming out on ARY really right and after Alif ka ye pata hai ki it's got a bit of a connection with the fashion world ji and the fact ki one person aur uski evolution and how wo ji. sab kuch chhod ke aur you know so yeah interesting I'm sure a lot of our viewers have read the novel Alif so they know viewers hamare wo cheete hain cheete hain wo bilkul unhe acha laga unhe kaha humne khitab diya unko cheeta hone ka ji to another one to look forward to theek hai hamari ek video aayi hai mahira khan aur bilal ke sath chhota sa ek snippet kalam ne chalaya tha aapka uske upar bada acha feedback aaya thank you uska pura interview inshaallah hum tuesday ko ya sunday ko release karenge to agar aapne hamara channel subscribe nahi kiya hua to please kare hum 95000 subscribers pe pahunch gaye hain 4-5000 subscriber aur reh gaye hain thoda sa push kare Let's hit 100,000 subscribers और 100,000 पे आप फिर कोई treat देंगी हमें सबको मेरे ख्याल है कुछ तो खुशखबरी बनेगी कुछ खुशखबरी बनेगी जरूर इंशाल्लाह Stay tuned and we'll see you next week.